एनसीए और एनआरसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर संबोधित करने के लिए बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज हिस्सा बन रहे हैं। बीते दिनों 22 फरवरी को उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल ईदगाह मैदान में चल रहे विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में मोदी अमित शाह पर निशाना साधा, जिसके संबंध में थाना गलशहीद में राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोप तो यह है कि नागरिकों को आपत्तिजनक भाषण देकर भावनाओं को भड़काने का काम उनके द्वारा किया गया। मैं गया तो उससे पहले कोई 7 साल पहले पंडित नेहरू की तकरीर थी, जिसमें लोगों को संबोधित किया गया था। इसमें सोशल मीडिया न्यूज़पेपर में जो खबरें आई थी कि इनके द्वारा आपत्तिजनक बातें कही गई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रथम दृष्टि इन आरोपों की पुष्टि होते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और सलमान से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोनलाइन पर सलमान, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया सीएए एनआरसी के समर्थन में कि लोगों की भावनाएं आहत हो गई, जो देश अहित में आके खड़ा हो गया और मुकदमा दर्ज करना पड़ा? सलमान जी, बिल्कुल, ये 22 फरवरी में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी मुरादाबाद आए थे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए बोला कि वो हम वफादारी पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसके हाथ काट देंगे, जिसके संबंध में मुकदमा बलशहीद थाने पर राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। 143, 149, 148 के संगीन धाराओं में राज्यपाल अजीत कुरैशी के अलावा 11 अन्य आजाद लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। दिल्ली में नागरिकता संशोधन